हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग वीडियो डालने के लिए, पर बहुत अच्छा एक एनालिसिस मैं आपके लिए शेयर करने वाला हूँ। देखो, बहुत दिन से मार्केट जो है वो एक साइडवेज एरिया में जाता है, साइडवेज मोड में जाता है, खास करके मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून सेशंस में, और लास्ट में 1:30 to 2 o'clock के बाद जो है वो रेंज ब्रेक करता है और कहीं ना कहीं आइदर साइड मूव देता है, अपसाइड या डाउन साइड। यहाँ पर भी उसी तरीके का कुछ पैटर्न बनाया था और डाउन साइड में ब्रेक किया था। आज भी मैंने उसी लेवल का जो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट जो मार्क किया था, उसी लेवल का आज नीचे की साइड भी एक ब्रेकआउट दिया उसने, लेकिन नीचे की साइड में देखो मूवमेंट सस्टेन नहीं हुआ। ठीक है, ये जो मूवमेंट है ये तुरंत ही ऊपर सपोर्ट लेकर के चला गया। मॉर्निंग में भी यहाँ पर सपोर्ट लेकर के चला गया, सेलिंग जो है वो कंटिन्यू हुई नहीं। ठीक है, सेलिंग कंटिन्यू भी नहीं, पर एक रेंज जरूर बन गई थी यहाँ से लेकर के, एक रेंज बन गई थी यहाँ पर। मार्केट में कंसोलिडेशन आया, फिर ऊपर की साइड में ये लास्ट में ब्रेक करके बहुत अच्छा एक मूवमेंट आपको दिया होगा। ये मूवमेंट मैंने मतलब यहाँ पर मैंने टेलीग्राम चैनल में ये रेंज जो है वो ड्रॉ करके जो है वो आपको दे दिया था। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप टेलीग्राम का ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मिला। अभी हम लोगों को डेटा एनालिसिस, डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेना पड़ेगा कि कल क्या हो सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी स्पेशल में हम लोगों को कल क्या देखने के लिए मिल सकता है। आज तो कंसोलिडेशन करके मार्केट ऊपर गया है इतने बड़े फॉल के बाद। ठीक है, अभी देखते हैं कि एडवांस ऑप्शन चेन में हम लोगों को दिखाई कहाँ दे रहा है। तो सपोर्ट जो बना हुआ है वो सपोर्ट बना हुआ है 500 के ऊपर, ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम का दोनों का ही सपोर्ट किस तरीके से दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो। और वो चीज आज हम लोगों को देखने के लिए भी मिली कि 500 की जो लेवल थी, ये वाली लेवल, ये ब्रेक तो कर रहा था मार्केट, पर नीचे सस्टेन नहीं कर रहा था, बार बार बाइंग आ रहा था और ऊपर की तरफ लेकर के मार्केट को जा रहा था मार्केट। ठीक है, रिलायंस में बहुत ही अच्छी जबरदस्त रैली आप लोगों को देखने के लिए मिली, 60-70 points की ये रैली थी। 26,050 के ऊपर मार्केट आज जाकर रिलायंस ने क्लोज की है। कहीं ना कहीं इस रैली का इम्पैक्ट भी निफ्टी के ऊपर हुआ है कि ये ऊपर जाकर के बंद किए। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को कुछ दिख रहा है। और एडवांस चेन में अगर हम लोग ऑप्शन चेन में देखें तो हमारा जो सपोर्ट है वो 21,500 का भी फाइनल हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है 500 की लेवल। ठीक है, तो आप लोग इसके नीचे के सारे क्या कर सकते हो, कॉल सेल कर सकते हो। 500, 550, 400, 450, ये सारे कॉल क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ओवरनाइट रिस्क जो है वो लेकर के मत जाना, कभी भी अनयूजुअल मूवमेंट आ सकता है निफ्टी के अंदर। ठीक है, और रेजिस्टेंस का जो एरिया होने वाला है वो रेजिस्टेंस है हमारा 600 का एरिया जो है वो रेजिस्टेंस का होने वाला है। 600 से लेकर रेजिस्टेंस कैसे दिख रहा है हम लोगों को, वीक टूवर्ड्स बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हाइएस्ट वॉल्यूम जो है वो इस एरिया पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट में अगर, ओपन इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ओपन इंटरेस्ट का हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो 800 पर अब शिफ्ट हो चुका है, और ये भी हम लोगों को किस तरीके से दिखाई दे रहा है, आइदर साइड वीक टूवर्ड्स टॉप, वीक टूवर्ड्स बॉटम, यहाँ पर भी बहुत सारा कंफ्यूजन दिख रहा है। तो ये वीक टूवर्ड्स टॉप ही नजर आ रहा है मुझे तो, और वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम वीक टूवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। रजिस्टेंस के साइड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कि रजिस्टेंस क्या होगा, 600 होगा, 800 होगा, 700 होगा, ये सब में रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन हुआ है, और कॉल के साइड में ही सारे एडजस्टमेंट जो है वो हो रहे हैं। पुट का साइड बिल्कुल ही क्लियर है, चेंज इन ओआई, ओआई और वॉल्यूम, ये सपोर्ट का साइड बिल्कुल क्लियर है। 500 मतलब 500 का ही सपोर्ट है हम लोगों को, स्ट्रांग दिख रहा है सपोर्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और वहां से ही फिर क्या आई हमारे पास, बाइंग देखने के लिए हम लोगों को मिली है यहाँ से। इसी एरिया से हम लोगों को बार बार रिजेक्शन ऊपर की तरफ आता हुआ दिखा, और फाइनली एक 130 के बाद आप लोगों को वो मूवमेंट जो है वो देखने के लिए ऊपर के साइड में मिला। ठीक है, अब डेटा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को बुलिश और बियरिश डेटा पॉइंट, जैसे ये वीडियो मैंने बना करके रखा है, इसको किस तरीके से रीड करना है, हाउ टू रीड दिस डेटा पर आप क्लिक करके यहाँ पर ये सब कुछ पढ़ सकते हो। ये पढ़ना नहीं चाहते तो आप लोगों को मैंने वीडियो बना करके रखा है इसका, FISDIS का जो वीडियोज है वो अपना सेंसिबल का, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब वहां पर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, तो FIS का जो डेटा है वो हम लोगों को मीडियम और माइल्ड बियरिश नजर आ रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, अब फ्यूचर्स का डेटा जो बियरिश दिख रहा है, फ्यूचर्स का डेटा में हम लोग देखते हैं निफ्टी में ये लोग बियरिश पोजिशन बना करके गए आज के दिन। ठीक है,
इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर हम लोगों को दिखता है कि करीब करीब 7,900 की क्वांटिटी जो है उनकी बियरिश में जा चुकी है। ठीक है, अब निफ्टी में बियरिश है, बैंक निफ्टी में स्ट्रांग बियरिश पोजीशन बना करके गए ये लोग, मिड कैप निफ्टी में भी बियरिश है और फिन निफ्टी में कुछ कुछ शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को देखने के लिए, फिन निफ्टी को देखने की जरूरत भी नहीं है। मेजर जो इंडेक्स है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी है, उनमें इनकी पोजिशन जो है वो स्ट्रांग बियरिश माइल्ड बियरिश देखने के लिए मिल सकती है। तो हो सकता है कल मार्केट में कल भी प्रेशर बना रहे या फिर एक साइडवेज मार्केट जा सकता है। ठीक है, अब प्रोज की बात कर लेते हैं। प्रोज आपको पता है बैंकिंग हो गए या फिर इंडिविजुअल ब्रोकर्स हो गए, ब्रोकर्स का भी पोजीशन होता है, अपने खुद के फंड से वो लोग भी ट्रेड करते हैं, तो उनके पास डेटा पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, तो उनकी बात हम लोगों को सुननी पड़ेगी। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन फ्यूचर में उनका डेटा क्या रहा है आज के दिन में, उन्होंने पॉजिटिव डेटा क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो कॉल ऑप्शंस में उन्होंने बाइंग की हुई है और पुट ऑप्शंस में उन्होंने सेलिंग की हुई है, मतलब मोटा मोटी पकड़ के चले तो हम लोगों को उनका डेटा भी बुलिश ही नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्लाइंट के अपोजिट हमेशा मार्केट जाता है। ठीक है, क्लाइंट के अपोजिट हमेशा मार्केट जाता है, ये लोग कैसे है ऑप्शंस में स्ट्रॉन्ग बियरिश है और मार्केट कैसा गया आज ऊपर की डायरेक्शन में। तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि मार्केट जो है वो कल भी हम लोगों को एक साइडवेज टू अप ट्रेंड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखे। ठीक है, प्राइस एक्शंस की अगर हम लोग बात कर ले, यहाँ पर प्राइस एक्शंस की अगर बात कर ले तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो होने वाला है। ठीक है, अब मार्केट तो मतलब निफ्टी तो 600 के ऊपर जाकर ही क्लोज करी है। ठीक है, 600 के ऊपर जाकर क्लोज करिए, तो अभी हम लोगों को इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 700 का देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोग एक अपनी सुविधा के लिए एक रेजिस्टेंस का एरिया यहाँ पर 720 से लेकर यहाँ तक का एक रेजिस्टेंस एरिया जो है वो आप 700 तक का ड्रॉ करके रख सकते हो। अभी यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस का एरिया ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, अभी सपोर्ट एरिया जो बहुत अच्छा सपोर्ट काम करने वाला है वो इसी एरिया में हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, दैट टू 470 480 के इन बिटवीन कहीं पर। ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट का एरिया हम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो हम लोग सपोर्ट एरिया, स्मॉल सपोर्ट एरिया इसे बोल सकते हैं, आने वाले टाइम में आपके लिए ये काम आ सकता है। ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया 500 के पास हमारा हो गया। अब ऑप्शंस के लिए, बायर्स के लिए, ठीक है, ऑप्शंस बायर्स के लिए एक लेवल रहेगा, यहाँ पर आपको सपोर्ट पर कॉल का ट्रेड लेना है और यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस पर पुट का ट्रेड आप ले सकते हो, इस तरीके का डेटा के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। अब ऑप्शन सेलर की बात कर लेते हैं। आप लोगों को बहुत मतलब ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि आईवी का बहुत बड़ा रोल होता है ऑप्शन सेलिंग में, और आईवी देखो बहुत ही जबरदस्त क्या कर गई है, ड्रॉप कर गई। ठीक है, ये साइडवेज गई फिर क्या कर गई, ड्रॉप कर गई, बहुत ज्यादा साइडवेज मार्केट था इसीलिए ये चीज हुआ है। अगर हम लोग ऑप्शन चेन में जाकर के देखें तो हम लोगों को वो चीज देखने के लिए मिलेगी कि प्राइजेस ही बचे नहीं है। ठीक है, आपको ऑप्शन चेन यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब दिख रहा होगा, क्लियर कट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि ऑप्शंस के प्रीमियम में क्या बचा है, मतलब बचा भी है या नहीं बचा है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं आउट ऑफ द मनी हमारा लेवल लेवल कौन सा है। आउट ऑफ द मनी लेवल की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को 700 का ही, 700 या फिर उसके ऊपर 750 का ही कॉल जो है वो सेल करने के लिए मिल सकता है। अब उसका कितना प्रीमियम बचा है वो बात की बात है। यहाँ पर हम लोग अगर जनवरी की बात करें तो एलटीपी में हम लोग देखते हैं कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, 35 रुपीज, और 750 का 17 रुपीज बचा है। अब इसमें अब पता नहीं क्या बचेगा और क्या नहीं बचेगा। ठीक है, खुलते ही साथ प्रीमियम क्या बचेगा, पर आज आपको सेलिंग करने के लिए ये प्रीमियम बहुत अच्छा था 21,750। पर मार्केट में वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। ठीक है, मार्केट में वोलाटिलिटी ज्यादा इंक्रीज हुई है, तो 1500 मतलब 150 पॉइंट्स जो है गैप अप गैप डाउन अभी मार्केट कर रहा था। ठीक है, इसीलिए ये लेवल जो है वो सिक्योर नहीं, इसीलिए मैंने आज कोई ट्रेड जो है वो नहीं प्लेस किया हुआ है। ठीक है, पर आपके लिए ये 17 रुपीज आप सेल कर सकते थे, और नीचे 500 का यहाँ पर आपको प्रीमियम मिल रहा था करीब करीब 16 रुपये, ये 550 का प्रीमियम मिल रहा था 16 रुपये, तो ये आप सेल कर सकते थे। अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो ही आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, या मतलब
फ्लैट ओपनिंग ही होनी चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। गैप अप या फिर गैप डाउन थोड़ा भी हुआ, 50-100 पॉइंट अगर गैप डाउन, गैप अप और गैप डाउन हुआ, तो आप लोग दिक्कत में आ सकते हो, इमीडिएट आपको पोजिशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेटर है आप लोग क्या कर सकते हो कि मॉर्निंग में ओपनिंग के बाद ही आप लोग कोई ट्रेड डिसाइड कर सकते हो, अगर ओवरनाइट कोई पोजीशन लेकर के नहीं गए तो। मार्केट को पहले डिसाइड करना है, तो इस पॉइंट पर खुला तो हम लोग इमीडिएट सेलिंग देखने के लिए हम लोगों को मिल सकती है। ठीक है, इमीडिएट सेलिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारे एरिया जो है वो अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले, ठीक है, ये सारे एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले, क्योंकि FISDIS के डेटा में भी हम लोगों ने देखा, देखो 700 पर भी रेजिस्टेंस है, 750, 800 ये सारे एरिया अभी रेजिस्टेंस, और 500, 600 इस एरिया में हम लोगों को सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 700 का है, अगर गैप अप खुल गया यहाँ पर, ठीक है, तो सस्टेन अगर कर गया तो ठीक बात है, ठीक है, अगर सस्टेन नहीं किया तो इमीडिएट ये कॉल करना स्टार्ट कर सकता है आप लोगों को, ऊपर का ये सारे कॉल जो है 700, 650 ये सारे कॉल सेल करने के लिए मिलेंगे, और बहुत अच्छा एक डाउनफॉल भी हम लोगों को, मतलब दैट टू मीन ट्रेंडिंग साइड देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, पर एक्सपायरी कहीं ना कहीं अगर फ्लैट ओपन हुआ इसी एरिया में कहीं पर ओपन हुआ, तो एक्सपायरी इसी एरिया के बीच में कहीं पर हो सकती है, तो ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि फ्लैट अगर ओपन हुआ तो बीच में ही एक्सपायरी हो जाएगी इसकी। पर गैप अप और गैप डाउन अगर बहुत बड़ा हुआ तो फिर एक आइदर साइड मूव आ सकता है, क्योंकि FIS और DIS के डेटा में हम लोगों ने क्या देखा है, FIS और DIS के डेटा में हम लोगों ने क्लियर कट ये बात देखी है कि FIS जो है वो बियरिश पोजीशन बना करके गए, DIS प्रोस जो है वो पॉजिटिव पोजीशन बना करके गए, और अपने क्लाइंट्स जो है वो बियरिश पोजीशन, स्ट्रांग बियरिश पोजीशन बना करके। तो हम लोगों को ये दिख रहा होगा कि ऑप्शंस की ही माने हम लोग, है ना, फ्यूचर्स को थोड़ा, फ्यूचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा मीडियम टर्म का हो जाता है, शॉर्ट टर्म में हम लोग एक्सपायरी की अगर बात करें तो हमें ऑप्शन का डेटा देखना पड़ेगा। ऑप्शन का डेटा बियरिश है, इनका क्या है, स्ट्रांग बुलिश है, और इनका स्ट्रांग बियरिश, तो दो लोग जो है वो बियरिश साइड में, एक ही बंदा जो है वो, मतलब प्रोज ही है जो बुलिश साइड में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्वांटिटी साइजिंग की बात कर लेते हैं, क्वांटिटी साइजिंग भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस में बियरिश पोजीशन 62,000 की है, ठीक है, यहाँ पर ये लोग ऑप्शंस की पोजीशन 4.5 लाख की बना कर गए, 4.5 लाख, ठीक है, तो इनका मिला करके करीब करीब 5 लाख की पोजीशन जो है वो हम लोगों को दिखाई दे रही है। पर ऑप्शंस के अंदर स्ट्रांग बुलिश पोजीशन जो है 5 लाख की ये लोग बना करके गए, ये पुट भी सेल करके गए और कॉल भी बाय करके गए, ठीक है, मतलब स्ट्रांग बुलिश पोजीशन बना करके गए, तो देर इज अ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कि मार्केट गैप अप या फिर फ्लैट ओपन हो। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होता है और गैप अप ओपन होता है तो हम लोगों को इमीडिएट सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, तो आप लोगों को उसी लेवल पर आप लोगों को वो चीज प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, अगर गैप अप खुलता है मार्केट तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी, रेजिस्टेंस लेकर के ये नीचे गिर सकता है, तो उतना प्लानिंग आपको बना करके रखना है कि इमीडिएट अगर आपको गैप अप मिला तो आप इमीडिएट, अगर आपने ऑप्शन सेल करके गए यहाँ का तो इमीडिएट कोई एक्शन मत करो, यहाँ से आपको गिरता हुआ दिख रहा तो थोड़ा सा वेट कर जाओ, इस एरिया में आने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ का कॉल, यहाँ का पुट बना करके रख सकते हो। ठीक है, दैट्स इट। अगर ओवरनाइट करके गए तो आपको इसी एरिया में प्रॉफिट बुकिंग करना है, फ्लैट ओपन हुआ तो तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आपको 5-10 मिनट के अंदर कर लेना है, गैप अप ओपन हुआ तो एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रख करके अपनी पोजीशन जो है वो निफ्टी एक्सपायरी में आप यूज कर सकते हो। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितने ज्यादा लाइक आएंगे उतना ज्यादा मैं बेहतरीन अपना एनालिसिस आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और अपना ज्यादा से ज्यादा लाइक जो है वो कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।